देश में 5G लॉन्च हो चुका है, कई शहरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे कि हमारी स्पीड 500 Mbps 1 Gbps है। लेकिन क्या आप जानते हैं 5G जितनी खुशी ला रहा है थोड़े बहुत नुकसान भी लाएगा अपने साथ। आइए फटाक से इस वीडियो में जानते हैं 5G के क्या नुकसान हैं जो कि हमारे समाज को झेलना होगा, 5G यूजर्स को सहना होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में करता हूँ आप सभी का स्वागत। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। चूंकि 5G में आप सबको स्पीड ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब कि डेटा ट्रांसफर होने की रफ्तार ज़्यादा है। डेटा ट्रांसफर तभी होती है जब वेवलेंथ छोटी होती है और नेटवर्क मजबूत रहना चाहिए, यानी कि आप टावर के अधिक से अधिक पास रहें। यही सबसे बड़ी समस्या है और सभी समस्याओं का जड़ है। तो पहली समस्या, कनेक्टिविटी में बाधा, इंटरप्शन इन कनेक्शन। क्यों? अगर आप घर के अंदर हैं या 5G टावर से थोड़ा दूर हैं, बेसमेंट में चले गए, तो आपको 5G का नेटवर्क उतना मजबूत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आसानी से अवरोधों से टकरा कर रुक सकता है इसका नेटवर्क 4G और 3G के कंपैरिजन में। घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के नीचे उतनी ज़्यादा अच्छे से 5G नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी समस्या, गांव देहात में कम नेटवर्क, लो कनेक्शन इन रिमोट एरियाज। क्यों? क्योंकि 5G के लिए एक डेंस इलाका चूज करती है कंपनीज और वहाँ टावर लगाती है। टावर पास पास लगते हैं ताकि नेटवर्क अच्छा बने, और गांव देहात में काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में लोग होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे कंपनीज को, और यूज़र कम है, कंपनीज रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी। इस वजह से गांव देहात पे कंपनीज फोकस ही नहीं करेगी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन फोकस ज़्यादा नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पर लगाना उनके लिए सार्थक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी समस्या, 5G स्टार्ट करने के लिए लाखों करोड़ों की ज़रूरत है कंपनीज को। 4G के लिए इतने पैसे नहीं चाहिए थे जितने 5G के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज है और सरकार भी खूब पैसा लेती है स्पेक्ट्रम के नाम पर। तो कंपनीज को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी पूरे देश में 5G रोल आउट करने के लिए, और ये बड़ी लागत से ही संभव है। चौथी समस्या, बैटरी जल्दी ख़त्म होगी फ़ोन की, स्पीडी ड्रेनेज ऑफ बैटरी। क्यों? क्योंकि फ़ोन के अंदर ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेसर को काम करना होगा। फ़ोन के अंदर जो आपका नेटवर्क अडैप्टर यानी एंटीना लगा होता है उसको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और इन सभी प्रोसेसर्स को पूरी तरीके से निभाने के लिए बैटरी से पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो 5G जब आप यूज़ करने लगेंगे तो बैटरी आपकी अभी जितनी चल रही है उससे 20% ज़्यादा तेज़ी से या 15% ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम होगी, और आपका बैटरी ड्रेनेज बढ़ेगा। पाँचवीं समस्या, लेस अपलोड स्पीड कम्पेयर टू डाउनलोड। आप 5G जब चलाने लगेंगे देखेंगे डाउनलोड स्पीड तो 500 Mbps से 1000 Mbps आ रही है, लेकिन अपलोड स्पीड 50 Mbps से 100 Mbps ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि टावर्स में सिग्नल भेजने के लिए तो अच्छे इक्विपमेंट्स लगे, पर आपका फ़ोन अभी उतना एडवांस नहीं है भले ही 5G को सपोर्ट करे। डेटा जहाँ से भेजा जाता है वहाँ इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। डाउनलोड जब करना होगा तो डेटा वहाँ से आ रहा है, लेकिन अपलोड करना होगा आपके फ़ोन से डेटा जाएगा। इस वजह से अपलोड स्पीड आपको देखने में कम अच्छी मिलेगी, और ये भी 5G की एक समस्या है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको कई GB की फाइल्स अपलोड करनी होती है। तो ये मैंने 5 आपको समस्याएं बता दी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट चेक करके बता देता हूँ। लोग कहते हैं 5G की वजह से मछलियाँ मर जाएंगी, पंछियाँ मर जाएंगी, तो ये सब बेसलेस बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 5G की वजह से कोई पंछी को समस्या नहीं होगी, किसी भी पशु जीव जंतुओं को समस्या नहीं होने वाली है। जितनी भी इंटरनेट पे वायरल तस्वीरें थी वो सब फेक थी, फर्जी थी, उस पर आप भरोसा ना करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।